नागालैंड और मेघालय में 119 सीटों पर वोटिंग शुरू। क्या हैं जीत हार के बड़े फैक्टर? दोनों राज्यों के क्या हैं राजनीतिक समीकरण? नागालैंड और मेघालय विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग शुरू हो चुकी है। दोनों राज्यों में जनता उम्मीदवारों की किस्मत पर शाम 4 बजे तक बटन दबाएगी, जिसके बाद दोनों राज्यों में 2 मार्च को वोटों की गिनती की जाएगी। नागालैंड की 60 सीटों में 59 सीटों के लिए वोटिंग की जा रही है, क्योंकि एक सीट पर बीजेपी की निर्विरोध जीत हो चुकी है। नागालैंड विधानसभा में होने वाले इस चुनाव में 183 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वहीं मेघालय में भी 60 सीटों पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए 369 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। सवाल ये है कि दोनों राज्यों में जीत हार के क्या बड़े फैक्टर हैं। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं नागालैंड के चुनावी समीकरण पर। नागालैंड में कुल 59 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 183 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं जहां तक पार्टियों की बात है, नागालैंड में बीजेपी और नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी अपना सत्ता बरकरार रखने के लिए चुनाव मैदान में उतरी है। वहीं पीपुल्स फ्रंट और कांग्रेस भी चुनाव मैदान में है। जहां तक इन चारों पार्टियों के उम्मीदवारों की संख्या की बात है, इस चुनाव में बीजेपी ने 20 उम्मीदवार और एनडीपीपी ने 40 उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं एनपीएफ ने 22 और कांग्रेस ने 23 उम्मीदवार उतारे हैं। इसके अलावा 4 महिलाएं और 19 निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। हालांकि बीजेपी ने एक सीट पर पहले ही निर्विरोध जीत हासिल कर अपना खाता खोल चुकी है। दरअसल कांग्रेस उम्मीदवार ने आकुलूटो सीट से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है, जिसके चलते बीजेपी विधायक काजहेटो किनवी निर्विरोध जीत गए हैं। वहीं मेघालय चुनाव में भी 60 सीटों के लिए मतदान जारी है। मेघालय में 369 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस राज्य में सभी सीटों के लिए 3,419 मतदान केंद्र पर चुनाव कराए जा रहे हैं, जिनमें 36 निर्वाचन क्षेत्र खासी और जयंतिया हिल्स इलाके में आते हैं। यहाँ चुनाव कराने में सबसे बड़ा चैलेंज पहाड़ी इलाके और बांग्लादेश से लगी सीमा है। वहीं जहाँ तक मेघालय के राजनीतिक समीकरण की बात है, फिलहाल यहाँ नेशनल पीपुल्स पार्टी की सरकार है। वो अपनी सत्ता वापसी की कोशिश में लगी है। हालांकि मेघालय के बीजेपी चीफ अर्नेस्ट मावरी ने ईसाई धर्म के मतदाताओं पर अपना पासा पहले ही फेंक दिया है। वो ईसाई सुरक्षा का चारा मतदाताओं के चुनावी प्रचार में खिला चुके हैं। वहीं राजनीति के जानकारों का मानना है कि एनपीपी को इस बार एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लग चुके हैं। साथ ही जयंतिया और खासी पहाड़ियों के अवैध कोयला खनन का मुद्दा भी सत्तारूढ़ पार्टी पर भारी पड़ सकती है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।